दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पेंशनर्स को चौंका दिया है। पेंशनर्स का जो फैसला आना था 12/12/2019 को, अब वो है जो है रीजनरेट हो चुका है, दोबारा डिसीजन लिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अब वह होगा 16/1/2019 या 2020 में, यानी ये अब इसकी सुनवाई जो है 16 तारीख और पहला महीना 2020 में होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोग के साथ आज साझा करने वाला हूँ, और काफ़ी सरप्राइजिंग है पेंशनर्स के लिए, जो कि पेंशनर्स को काफ़ी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि कुछ इस तरह का होने वाला है। काफ़ी उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से पेंशनर्स को, जिसके ऊपर ये तीसरी बार जो है पेंशनर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झटका लगाया गया है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ऑन 30/11/2019 के लिए है EPS95 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कंप्यूटर जनरेटेड जो है पैम्पलेट आ चुका है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है मोशन हियरिंग है, कंप्यूटर जनरेटेड है 16/1/2020 में, और डिस्पोजल है, फाइनल डिस्पोजल होगा एट द एडमिशन ऑफ सिविल केस है। और आपको बताते चले कि काफ़ी लंबे समय से ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में भी, और केरल हाई कोर्ट के द्वारा फैसला देने के बाद भी पेंशनर्स के पक्ष में, उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय से ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार जो है सुनवाई इसकी पोस्टपोन कर रही है, जो कि अपने आप में पेंशनर्स के लिए एक झटका ही माना जाएगा, क्योंकि कई बार हियरिंग का डेट आया और जो पेंशनर है, चूँकि उनकी जो अवस्था है वो 60 से लेकर 80 वर्ष तक हो चुकी है, इस अवस्था में उन्हें पेंशनर्स के ऊपर इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है पेंशनर्स के हक में फैसला आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इस केस को, सिविल केस को बार बार पोस्टपोन कर रहा है, और अब इसकी जो नई डेट सुनवाई की आ चुकी है वो है 16/1/2020 में। तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे अप्रोच के बाद, काफ़ी प्रकार के, कई प्रकार के एगेशंस के बाद, कई प्रकार की कमेटियों के द्वारा एगेशंस के बाद भी पेंशनर्स अभी भी अपनी मांगों के लिए लेके जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट है, और ये कंप्यूटर जनरेटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट है, और जो कि अब ये पोस्टपोन हो चुका है 16/1/2020 में। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसके बाद ये पोस्टपोन ना हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी सुनवाई, फाइनल डिस्पोजल जो है 16/1/2020 में कर दें, क्योंकि लंबे समय से लंबित मामला है पेंशनर्स के जो है, पेंशनर्स की उम्र भी हो चुकी है 60 से लेकर 80 वर्ष तक के पेंशनर्स हैं, 80 से ऊपर भी हैं, तो उनकी जो उम्र है वो काफ़ी जो जिसमें इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है वो है, तो उसमें सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पुनर्विचार याचिका जो भी है इसके ऊपर तुरंत फाइनल डिस्पोजल दे के इस केस को जो है ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि आप लोगों के साथ साझा करना अति आवश्यक था, जो कि EPS95 पेंशनर्स के लिए थे, और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। आप अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम आपके राय से अवगत हो सके, और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।